बास्केटबॉल प्राइवेट लिमिटेड BPL इज इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर, अगले साल की प्लानिंग हो रही है, ठीक है। और सवाल में लिखा हुआ है कि BPL इज करेंटली ऑपरेटिंग एट 70% ऑफ द प्रोडक्शन कैपेसिटी, द मैनेजमेंट वॉन्ट्स टू अचीव एन इंक्रीज ऑफ 36 मिलियन इन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ द लेटेस्ट ईयर, यानी कि कंपनी को अपना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 36 मिलियन से इंक्रीज करना है। समराइज स्टेटमेंट ऑफ PNL, ये पूरा सवाल हमने पढ़ लिया। अच्छा देखो, सबसे पहला काम जो CVP एनालिसिस के क्वेश्चंस में आपको करना होता है वो ये होता है कि आप फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को जो है ना अलग कर लो। तो हम एक काम करते हैं, हम अपनी पहली जो वर्किंग कर लेते हैं ना वो ये कर लेते हैं कि भाई हम फिक्स्ड कॉस्ट, हमारी जो है ना फिक्स्ड कॉस्ट उसकी क्या वैल्यू है, यहाँ पर जो दी हुई है ना उसके हिसाब से क्या वैल्यू है, मतलब कि जो PNL बना कर दिया हुआ है उसमें क्या वैल्यू है। तो देखो हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स है 400 मिलियन, इस 400 मिलियन का 60% अगर वेरिएबल है तो 400 मिलियन का 40% फिक्स्ड होगा, सही है। प्लस जो हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए हुए 47 मिलियन, उसका 40% वेरिएबल है तो बाकी 60% क्या होगा, फिक्स्ड होगा। तो 47 × 60%, ठीक है। ये साथ साथ मेरे आप लोग वर्किंग करते जाओ, आप लोग मेरे साथ साथ वर्किंग करते जाओ, ठीक है। सबसे पहली फिक्स कॉस्ट की हम वर्किंग कर रहे हैं, फिक्स कॉस्ट में 400 का 40% लिया और 47 का 60% लिया तो कंपनी की करंट जो फिक्स कॉस्ट है वो पूरी की पूरी फिक्स कॉस्ट आ गई। फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो लेवल ऑफ एक्टिविटी या नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ चेंज नहीं होती। काइंडली सारी की सारी वर्किंग जो है वो मेरे साथ साथ आप लोग करते जाना, ठीक है। अच्छा तो ये आता है आपका 188.2 मिलियन का अमाउंट आता है, सही है। ये एक चीज़ हो गई, दूसरी चीज़ फिक्स कॉस्ट ये हो गई। अच्छा इंक्रीज इन द फिक्स कॉस्ट, कोई क्या फिक्स कॉस्ट में किसी किस्म का इंक्रीज आएगा? अगर हम अपने सवाल की इंफॉर्मेशन को देखते हैं और पॉइंट नंबर टू देखते हैं, पॉइंट नंबर टू में लिखा हुआ था एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अदर देन डिस्ट्रीब्यूटर्स कमीशन आर प्रोजेक्टेड टू इंक्रीज बाई 4% वाइल फिक्स कॉस्ट अदर देन डेप्रिसिएशन आर प्रोजेक्टेड टू इंक्रीज बाई 5%। वो फिक्स कॉस्ट जो अदर देन डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन के अलावा जो फिक्स कॉस्ट है वो 5% से बढ़ेगी। अब इसमें तो डेप्रिसिएशन भी है। पॉइंट नंबर थ्री बोलते हैं डेप्रिसिएशन फॉर द लेटेस्ट ईयर वॉज 90 मिलियन एंड विल रिमेन कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन 90 मिलियन की इस ऊपर वाली वैल्यू में शामिल है। अच्छा अगर मैं इंक्रीज देखू ना कि कितना आया होगा, तो ये पुरानी वाली टोटल फिक्स कॉस्ट लेता हूं, इसमें से 90 मिलियन डेप्रिसिएशन के हटा देता हूं, अब जो अमाउंट बच गया वो डेप्रिसिएशन के अलावा है, वो 5% से इंक्रीज होगा, तो इसका 5% ले लेता हूं। मैं वापस से रिपीट करता हूँ, टोटल फिक्स कॉस्ट की वैल्यू ली, उसमें डेप्रिसिएशन भी शामिल है, उसको हटा दिया, हटा कर जो बच गया उसका 5% ले लेता हूँ, ये मुझे ये पता चल रहा है कि कितने से फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब 188.2 - 90 × 5% = 4.91 आता। ये लास्ट ईयर की फिक्स कॉस्ट है, ये इंक्रीज है, यानी कि करंट ईयर या जिस साल की मैं वर्किंग कर रहा हूँ उस साल की फिक्स कॉस्ट 193.11 होगी, 193.11 होगी, इंक्रीज 4.91 का है तो दोनों को आपने ऐड कर दिया, सही है। दूसरा, जिस साल की मैं वर्किंग कर रहा हूँ उस साल का टारगेट प्रॉफिट क्या होगा, जिस साल की मैं वर्किंग कर रहा हूँ मैं अब अगले साल की वर्किंग कर रहा हूँ, ये सब पिछले साल के बारे में मामला दिए हुए थे, उस साल मुझे कितना प्रॉफिट चाहिए। अच्छा पिछले साल कितना प्रॉफिट कमा रहा था, पिछले साल जो मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है पैट लास्ट ईयर 90 है। सवाल में लिखा हुआ था द मैनेजमेंट वॉन्ट्स टू अचीव एन इंक्रीज ऑफ 36 मिलियन इन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ द लेटेस्ट ईयर, यानी कि पैट में मुझे इंक्रीज कितना चाहिए 36 मिलियन का, यानी कि मुझे करंट ईयर का पैट या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, करंट ईयर का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना चाहिए, 126 मिलियन चाहिए। भाई मैं चाहता हूं कि आने वाले साल में मैं 90 नहीं कमाऊं, मैं 126 कमाऊं,
जिस साल का हम हिसाब किताब करने बैठ रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ उस साल में मैं 126 कमाऊँ, 36 मिलियन ज़्यादा कमाऊँ, मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 36 मिलियन ज़्यादा हो, ये मैं अपना टारगेट बनाना चाह रहा हूँ। अच्छा, क्योंकि ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, क्योंकि ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, तो मेरा ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ना, जिस साल की मैं वर्किंग कर रहा हूँ, उस साल का पीबीटी कितना चाहिए होगा मुझे? पीबीटी करंट ईयर, टैक्स का रेट कितना है? जो कमाता हूँ 25 हट जाता है, 75 बच जाता है, तो ये बचा हुआ 75 है ना, ये बचा हुआ 75 है ना, टैक्स के बाद है, तो इसका मतलब मुझे टैक्स से पहले कितना कमाना होगा? 75 से डिवाइड, 100 से मल्टीप्लाई, 168 बना। देखो 126 है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मतलब ये है कि जितना मेरा पीबीटी होगा, जितना मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा, उसमें से 25% मैंने टैक्स पे किया होगा और फिर मेरे पास 126 बचा होगा। तो अगर मैं ये मालूम करना चाहूँ कि करंट ईयर या जिस साल की मैं वर्किंग कर रहा हूँ उस साल मुझे प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना चाहिए, टैक्स से पहले मुझे कितना कमाना चाहिए ताकि उसमें से टैक्स भी हटेगा, फिर मेरे पास 126 बच जाए, तो मैं 126 तो नहीं कमाऊंगा, ज़्यादा कमाऊंगा, क्योंकि जितना कमाऊंगा उसमें से टैक्स भी तो देना है, टैक्स देकर फिर मेरे पास पैसे बच जाते हैं। तो अगर मैं देख रहा हूँ कि बिफोर टैक्स मुझे कितना कमाना है, तो क्या आया? 168। अब मुझे दो बातें पता चल गई, एक बात तो ये पता चल गई कि अगले साल का या जिस साल की हम वर्किंग कर रहे हैं उस साल मुझे 168 मिलियन टैक्स पे करने से पहले कमाना है, उसमें से फिर टैक्स जाएगा और मुझे बचेगा 126। दूसरी बात मुझे ये पता चल गई, जिस साल की वर्किंग कर रहा हूँ उस साल की जो फिक्स्ड कॉस्ट होगी वो 193.11 होगी, तो इसका मतलब कंट्रीब्यूशन कितनी चाहिए होगी मुझे? दोनों को ऐड करेंगे ना, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट, या कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो इसका मतलब मुझे ये भी पता चल गया कि भाई मुझे 193.11 और 168 मिलियन मुझे जो टोटल कंट्रीब्यूशन चाहिए होगी, जिसमें से फिर फिक्स कॉस्ट माइनस होगी, फिर पीबीटी आएगा, पीबीटी में से टैक्स माइनस होगा, फिर पैट आएगा, तो मुझे जो मेरी कंट्रीब्यूशन चाहिए आने वाले साल में वो कितनी चाहिए, वो इस तरह से पता चल सकता है कि मैं जो है वो अपनी पीबीटी या प्रॉफिट बिफोर टैक्स को और जो फिक्स कॉस्ट है उसको ऐड कर दूं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में रिपीट कर देता हूं, देखो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है ना वो 25% माइनस करने के बाद होता है, यानी कि तुम अगर 100 रुपये कमाते हो, 25 टैक्स वाला ले जाते हो, तुम्हें बचता 75 है, तो इसका मतलब 126 जो है ना वो 75 हिस्से हैं। अब इसको अगर ग्रॉस अप करना है तो आप इसको 75 से डिवाइड करो और 100 से मल्टीप्लाई करो, तो इसमें टॉप अप हो जाएगा 25% का। इसका मतलब मेरा 168 का पीबीटी होना चाहिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 168 होगा तो 25% टैक्स माइनस होगा, फिर मेरे हाथ में पीएटी 126 बचेगा। अच्छा, टोटल जो मुझे कंट्रीब्यूशन चाहिए आने वाले साल में, वो मुझे ज़ाहिर है फिक्स कॉस्ट भी कवर करनी है और पीबीटी भी चाहिए, तो जो इन दोनों का एडिशन बनता है वो कंट्रीब्यूशन मुझे टोटल चाहिए होगी, ज़रूरत होगी। ठीक है, एक तो ये वर्किंग हो गई। अब दूसरी चीज़ जो मुझे चाहिए होती है ना, वो मुझे सी एस रेशो चाहिए होता है, और उसके लिए वेरिएबल कॉस्ट की वर्किंग भी करनी है और सेल्स रेवेन्यू की भी वर्किंग करनी है ना, तो दो वर्किंग्स और बच गई हैं, उसको करते हैं। अब चलो हम एक काम करते हैं ना कि हम पहले सेल्स की वर्किंग करते हैं। देखो करंट जो ईयर जिसकी बात हो रही है ना, द समराइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द लेटेस्ट ईयर इज एज फॉलो, सेल्स है 567 मिलियन। अच्छा, क्या कोई सेल्स में चेंज आएगा? अगर पॉइंट नंबर वन देखते हैं, सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स विल बी इंक्रीज बाय 8%। अब जब सेलिंग प्राइस 8% से बढ़ती है तो 100 की चीज़ 108 में बिकती है, 200 की चीज़ 216 में बिकती है, और जितने यूनिट्स बेचे होते हैं हर यूनिट पर 8% का इंक्रीज़ आ रहा होता है। तो अगर मैं सेल्स की बात करूँगा, मैं यहाँ पर सेल्स की हेडिंग डाल देता हूँ, पहला इम्पैक्ट जो सेल्स पर होगा वो क्या होगा कि मेरी जो नई वाली सेल्स होगी वो 567 × 1.08, ये एक इम्पैक्ट हुआ। 567 जो है वो हमारी सेल्स की वैल्यू पिछली वाली है, वो 8% से बढ़ जाएगी। दूसरे इम्पैक्ट्स भी हैं, अभी सिर्फ और सिर्फ इसमें कौन सा इम्पैक्ट शामिल कर रहा हूँ मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ अपनी सेल्स प्राइस के इंक्रीज़ होने वाले इम्पैक्ट शामिल कर रहा हूँ, यानी कि यूनिट्स वही बिकते जो अगर पिछले साल बिक रहे हैं और सिर्फ सेल्स इंक्रीज़ हुई होती, सेलिंग प्राइस इंक्रीज़ हुई होती, तो 612.36 होता।
आगे एक और बात लिखी हुई है, सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स विल बी इंक्रीज बाय 8%, हर प्रोडक्ट को 8% महंगा कर दोगे। हाउएवर टू अवॉइड एनी एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ प्राइस इंक्रीज, लेकिन ये जो आपने 8% से प्राइस इंक्रीज करी है इसकी वजह से बहुत सारे कस्टमर्स जो है वो कट ना जाए, तो आप क्या करोगे, 10% डिस्काउंट विल बी ऑफर्ड, 10% डिस्काउंट दोगे टू द लार्ज कस्टमर्स, लेकिन सबको नहीं दोगे, लार्ज कस्टमर्स को जो बल्क में मुझसे चीज़ें खरीदते हैं उनको डिस्काउंट दोगे, हु परचेज अबाउट 30% ऑफ द टोटल सेल्स, जो टोटल सेल्स का 30% आपसे खरीदारी करते हैं। अब बात ये हो गई कि ये 612.36 मेरी सही सेल्स नहीं है, इसलिए क्योंकि इसमें तो मैंने 8% शामिल कर दिया, और 8% तो मैंने सबको ही शामिल कर दिया, 8% तो मैंने सबको ही शामिल कर दिया, है ना, सबकी प्राइस जो है वो 8% इंक्रीज नहीं होगी, बल्कि जब प्राइस इंक्रीज हो गई ये तो एक बात हो गई, लेकिन मैं कुछ लोगों को डिस्काउंट भी तो दूंगा, तो मैं पता है क्या करता हूँ, मैं ये काम करता हूँ कि मैं ये 612.36 है इसका कितना परसेंट लूँ, 30%, और फिर क्या करूँ, 30% माइनस कर दूँ, नहीं मैं इसमें से 10% माइनस करता हूँ, 0.9 नहीं 10%, मल्टीप्लाई मैं 0.1 से कर रहा हूँ ना, 0.9 से नहीं कर रहा मैं मल्टीप्लाई, क्यों, क्योंकि देखो 612.36 है, 612.36 में ज़्यादा वाली प्राइस गई हुई है, अब मैं डिस्काउंट का अमाउंट माइनस कर रहा हूँ कि 612.36 में से 30% लोग वो होंगे जो 10% डिस्काउंट लेंगे, डिवाइड करते तो ग्रॉसअप होता ना, देखो तुमने 100 रुपये की स्टोर से चीज़ ली, तुम्हारी इससे दोस्ती है वो तुम्हें 90 में देना चाहता है, तो 100 में से कितना माइनस करेंगे, 10, तो 100 का 10% लेकर माइनस करेंगे, इसी तरह से 612.36 है उसमें 30% वो लोग हैं जो इसको पसंद है, उसको ये 10% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो उस वैल्यू का 10% कम मिलेगा उसको, जो वैल्यू आएगी। अच्छा सर, हम ओरिजिनल अमाउंट पे नहीं 30 और 70 में ब्रेक करते, ऐसा नहीं कर सकते, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता, कर तो सकते थे, थोड़ा मुश्किल हो जाता, क्यों मुश्किल हो जाता सर, इसलिए मुश्किल हो जाता क्योंकि देखो 8% वाला इम्पैक्ट पहले सब पे लाना, पहले सबके लिए चीज़ महंगी करी, फिर उनको बोला अच्छा तुम्हारे लिए सस्ती, अगर मैं वहाँ से 30 और 70 को ब्रेक करता तो वो 8-8% वाला फिर इम्पैक्ट अलग अलग लेकर जाना पड़ता, फिर 10% माइनस, फिर हो तो जाता, हाँ ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, वो भी सही है, वो तरीका सही है, उसमें फिर ब्रेक नहीं करना पड़ता, तो नेट अमाउंट मेरी 593.982 ये बन रही है, ठीक है। आप एक ही सवाल को बहुत सारे मुख्तलिफ तरीकों से सॉल्व कर सकते हो। मैंने पहले सोचा मैं किसी को डिस्काउंट ही नहीं दूंगा तो क्या होगा, सारी चीज़ें 8% बढ़ जाएंगी, फिर जिनको डिस्काउंट दिया उसकी वजह से उसका जो इम्पैक्ट आया मेरे ऊपर वो हटा दिया, तो नेट आंसर पर पहुंच गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यही एक करने का सही तरीका है, एक स्टूडेंट के दिमाग में पेपर में मल्टीपल तरीके आ सकते हैं, सारे सही हो सकते हैं, कोई स्टूडेंट 567 को ही 30% और 70% में ब्रेक करता, फिर उनको 8-8% से इंक्रीज करता, और जो 30% वाले होते हैं उनको फिर 10% ऑफ करता, लेकिन ये याद रखना है, ये याद रखना कि ये जो डिस्काउंट मिल रहा है आफ्टर प्राइस इंक्रीज मिल रहा, कोई स्टूडेंट ऐसा ना कर दे कि वो 8% का इंक्रीज 30% वालों पे ना मारे, मतलब पहले 100 वाली चीज़ 108 की करी, फिर इसको बोला तुम्हारे लिए 10% सस्ती और कुछ 10.8 रुपीज़ कम करें, ऐसा नहीं किया कि 100 को 90 में बेचा है, पहले 100 को 108 किया है, बोला सबके लिए महंगी, फिर बोला तुम्हारे लिए सस्ती, तो जो वो 10% का डिस्काउंट है वो 108 पर 10% ऑफ आ रहा है। हाँ हो जाता सेम आंसर आता, लेकिन मैं अगर मल्टीपल तरीके करूंगा, 3 तरीके हैं, एक तो ये वाला तरीका कि पहले सबका इंक्रीज कर दो फिर जितना डिस्काउंट है वो ऑफ कर दो, दूसरा तरीका 612 को 370 में ब्रेक करो और फिर अलग अलग वर्किंग कर लो वहीं 30 वालों को 10%, हाँ, और तीसरा तरीका कि 567 पर ही 30 और 70 पे चले जाओ, लेकिन इवेंचुअली वही आंसर आता, 12 लाख से ज़्यादा करने के लिए बहुत टाइम वगैरह कंज्यूम होगा, हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी चलो, ये 593.982 आ रहा। अच्छा अब देखो, ये तो नेट सेल्स हो गई ना जो मैं अचीव करूँगा इस बेसिस पर, अब एक कमीशन वाली बात भी है, एडिशनली डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन वुड बी इंक्रीज फ्रॉम 2 to 3% ऑफ द
सेलिंग प्राइस, जो डिस्ट्रीब्यूटर है यानी कि जो बंदा है जो इस प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करता है उसको मुझे कमीशन भी देना है। अब कमीशन कितना देना है इस साल? कमीशन नहीं करेंगे क्योंकि कमीशन, देखो कमीशन ग्रॉस पे नहीं मिल रहा, नेट पे मिल रहा, तो इसका 3% ले लो ना, ये नेट सेल्स है ना तुम्हारी, इसका 3% ले लो। तो हम 2-3 पे तो आ ही नहीं रहे ना, हमने इस साल की सेल्स पर आ गए ना। नहीं 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 1% नहीं लेंगे ना। देखो वो बोलते हैं एडिशनली डिस्ट्रीब्यूटर्स कमीशन वुड बी इंक्रीज फ्रॉम 2-3% ऑफ नेट सेलिंग प्राइस। हाँ ये जाएगा, बिल्कुल जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखो बुलेट नंबर 2 में लिखा हुआ है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अदर देन डिस्ट्रीब्यूटर्स कमीशन आर दिस, यानी कि वो देख लेंगे हम वेरिएबल कॉस्ट की जब हम वर्किंग कर रहे होंगे तब हम देखेंगे कि उसका क्या करना है। वेरिएबल तो है, जाहिर है, डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन दे रहा हूँ, जितने यूनिट्स बेच रहा है उतना वेरिएबल बिल्कुल है, मना नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन अभी कमीशन जो है वो बन कितना रहा है, आप इसका ले लो 3%, ठीक है जी बेटा। नेट सेल्स पे जो 2% होगा वो पिछले साल है ना, वो इसमें कहीं कॉस्ट ऑफ सेल्स वगैरह में होगा ना, हम तो अपनी इस साल की वर्किंग कर रहे हैं, ये इस साल की सेल्स है, इस साल इतना बेचा इतना कमीशन बनता है, 3% बनता है, तो 3% देंगे ना। ठीक है, देखो कमीशन सीधा 3% है, कमीशन सीधा 3% है, पिछले साल 2% था। काइंडली थोड़ा सा खामोशी। अच्छा अब आओ, अब देखो अब मसला क्या आ रहा है, मसला ये आ रहा है कि यार कमीशन की इन्वॉल्वमेंट हो गई ना तो कोई वेरिएबल कॉस्ट का भी चक्कर आ गया इसमें। तो अब ये सेल्स की जितनी वर्किंग करी है इसके साथ साथ हमें एक वेरिएबल कॉस्ट की भी वर्किंग साथ साथ कर लेनी चाहिए, ठीक है। अच्छा जब हम वेरिएबल कॉस्ट की बात करते हैं, तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी बताओ? 400 का 60% और क्या होगा? 47 का 40%, ठीक है। देखो 400 का आफाक तैयब काइंडली यार थोड़ा सा ख्याल रखा करते हैं, 400 का 60% और 47 का 40%, ये हमारे पास 258.8 क्या है, 258.8 हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ रही है। देखो 400 का 60% और 47 का 40%, 400 का 60% और 47 का 40%, ये हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ रही है। हाँ अब इसमें से हमें कमीशन हटाना पड़ेगा, क्यों सर कमीशन इसमें से आमले कैसे पता? जब पीएनएल बना हुआ आ रहा है, पीएनएल में कमीशन अलग से मेंशन नहीं है एज ए एक्सपेंस, तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स में होगा, कहीं तो होगा ना एक एक्सपेंस, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब हम 258.8 है, ठीक है, कमीशन कितना, पिछले साल कितना कमीशन होता था? पिछले साल 2% होता था, 567 का 2%, यानी कि पिछले साल जो आपने कमीशन पे किया था वो 11.34 था। तो पिछले साल अगर आपने कमीशन पे किया 11.34, ये जो 258.8 है ये भी पिछले साल के खर्चे हैं, ये 258.8 जो है वेरिएबल कॉस्ट, ये पिछले साल की वेरिएबल कॉस्ट है, इस साल की नहीं है, पिछले साल की वेरिएबल कॉस्ट है जिसमें 11.34 का कमीशन था और 247.46 के दूसरे वेरिएबल खर्चे थे। देखो पिछले साल की ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट है 400 का 60% और 47 का 40%, जो पिछले साल की टोटल वेरिएबल कॉस्ट है उसमें से पिछले साल का कमीशन हटा दिया तो ये पिछले साल की वो वाली वेरिएबल कॉस्ट आ गई जिसमें कमीशन शामिल नहीं है। मैं वापस से रिपीट करता हूँ, ये 258.8 पिछले साल की टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो गई, जो परसेंटेजेस दी हुई है उस हिसाब से ये पिछले साल का कमीशन हो गया, ये पिछले साल की वो वाली वेरिएबल कॉस्ट हो गई जो कमीशन के अलावा थी, अदर देन कमीशन। अब जब हम इस साल की वेरिएबल कॉस्ट लिखेंगे, इस साल का डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन तो 17 point something आ रहा है 3% लेकर, इस साल की जो वेरिएबल कॉस्ट होगी, वेरिएबल कॉस्ट अदर देन कमीशन, वो कैसे आएगी?
आप पिछले साल के अमाउंट को वॉल्यूम के इंक्रीज के लिए या कोई भी इन्फ्लेशन के इंपैक्ट के लिए ले सकते हो। पॉइंट नंबर टू देखो, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अदर देन डिस्ट्रीब्यूटर्स कमीशन आर प्रोजेक्टेड टू इंक्रीज बाई 4%। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स कमीशन के अलावा जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट थी वो वही रहेगी, सिर्फ एक चीज़ इंक्रीज होगी कि वो 4% उसकी इन्फ्लेशन आ जाएगी, यानी कि इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, 1.04 से। पिछले साल की जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट थी कमीशन के अलावा, पिछले साल की जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट थी कमीशन के अलावा, उस कमीशन के अलावा वाली वेरिएबल कॉस्ट को आपने 4% से इंक्रीज करना है। कमीशन तो 2 से 3% पर जा रहा है, दूसरे खर्चे जो है वो 4% से बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब बताओ कि जो आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन होगा, अब सारी वेरिएबल कॉस्ट लिख दी ना, वो कितना हो जाएगा, 318.811। सही है, आपने जो नेट सेल्स थी उसमें से कमीशन भी हटा दिया और जो वेरिएबल कॉस्ट थी वो भी हटा दी, तो 318.811 बन रहा है। तो अब सी एस रेशो बताओ, सी एस रेशो कैसे आता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स और 100 से चलो परसेंटेज में कन्वर्ट कर लूंगा, यहाँ से 53.67% ये सी एस रेशो बन रहा। इस साल की कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय इस साल की सेल्स की वैल्यू, सही है, कोई मसला, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो या कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन इस तरह से आ रहे हैं कि आप सेल्स में से कमीशन और वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो, जब कमीशन और वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दोगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगी ना, सही है। अच्छा, अब सी एस रेशो जब आ गया फाइनली, तो अब आप अपनी ये जो आपका सवाल की रिक्वायरमेंट थी वो क्या थी, सेल्स कितनी, क्या पूछा था उसने, सेल्स टू अचीव टारगेट प्रॉफिट ना। देखो ये क्या है, ये जो एक्चुअल, ये सर ये आंसर नहीं है हमारा, नहीं ये तो एक्चुअल सेल्स है, ये तो एक्चुअल सेल्स है जो आपने अचीव की होगी, उससे ये थोड़ी पूछा कि आपकी सेल्स कितनी होगी, उसे पूछा कि टारगेट प्रॉफिट, अगर मैं चाहूं कि मैं 36 मिलियन का प्रॉफिट कमाऊं तो मेरी सेल्स कितनी होनी चाहिए, ये उसका सवाल था। दोनों बातों में फर्क है, मेरी सेल्स होगी कितनी ये एक अलग बात है, और अगर मैं चाहूं कि मैं 36 मिलियन का प्रॉफिट कमाऊं तो मेरी सेल्स कितनी होनी चाहिए, ये उसने पूछा। तो अब आपको ये पता है कि अगर अगर आप 36 मिलियन का पीएटी का इंक्रीज चाहते हो तो आपकी कंट्रीब्यूशन 361.11 होनी चाहिए और आपका सीएस रेशियो जो है वो 53.67% है। अगर आप सेल्स की वैल्यू ढूंढना चाहते हो तो कंट्रीब्यूशन को सीएस रेशियो से डिवाइड कर दो, 672.7979। हमने वो सेल्स रेवेन्यू मालूम किया है जिस पर हमें 36 मिलियन का पैट का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का इंक्रीज मिलेगा, जो सेल्स जिस पे हम वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट और टैक्स माइनस करें तो हमारा पैट 126 होगा। हमने पहले ये देखा था कि अगर मुझे 126 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए तो मेरी कंट्रीब्यूशन कितनी होनी चाहिए, 361.11।
फिर हमने ये देखा कि कंपनी का सी एस रेशियो कितना है, और सर डिवाइड क्यों किया सेल्स ढूंढने के लिए, ये किसी के दिमाग में सवाल है? अगर किसी के दिमाग में ये सवाल है कि सेल्स ढूंढने के लिए आपने टोटल जो कंट्रीब्यूशन चाहिए थी उसको सी एस रेशियो से क्यों डिवाइड किया, तो उसका मैं जवाब दे देता हूं। उसका जवाब ये है कि देखो आपका जो सी एस रेशियो होता है वो किसके बराबर होता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स। तो आपको ये पता है, आपको अगर इस रेशियो से, अगर सेल्स जो है वो डिनोमिनेटर पे है और राइट साइड ऑफ द इक्वेशन पर है तो लेफ्ट पे आएगा तो ऊपर आ जाएगा, सेल्स इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सी एस रेशियो। ठीक है, अच्छा अब मैंने इसका पार्ट ए करवाया है, मैंने इसका पार्ट ए करवाया है यानी कि कंप्यूट द अमाउंट ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड टू अचीव द टारगेट प्रॉफिट। आप इसका पार्ट बी करोगे, मैं इस रिकॉर्डिंग को भी आज ही अभी ही अपलोड भी कर देता हूँ।